मैंने फैसला किया है कि आज वो थिएटर नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, तुम किसी तरह भी आज थिएटर का काम संभाल लो। हाँ यस ओके। हजारों साल जियो पतिदेव। किसका टेलीफोन था? पतिदेव का। पतिदेव? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई, तुमने हमें बुलाया तक नहीं, उस पर चांस हमसे मांगती हो? रोमांस का चांस थोड़ा ही मांगती हूँ, डांस का मांगती। छी 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 छी, लाओ हमारे वो सब डायलॉग वापस कर दो जो हमने तुम्हें ये समझ कर दिया था कि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। वो डायलॉग मेरे पास ही रहने दो, मेरी शादी नहीं हुई। झूठ बोलती है, चांस के लिए? अगर शादी नहीं हुई तो ये पतिदेव कहाँ से आ गए? वो पतिदेव तो जरूर है, मगर मेरे नहीं, तुम्हारी हीरोइन नयनतारा के। नयनतारा? अरे कल तक तो उसका कोई नहीं था, आज ये पतिदेव कहाँ से टपक पड़ा? आगा साहब, पतिदेव के लिए कौन सी फैक्ट्री में ऑर्डर देना पड़ता है? दिल के स्टैंप पर नजरों के दस्तखत हुए और पतिदेव मिल गया। तुम बड़ी वो हो। मैं बड़ी वो हूँ? वो वो वो। हाँ, मैं बड़ी वो हूँ। शरीर कहेगी भाग गई। दिल के कुएं में पत्थर फेंक कर लहरें पैदा कर देती है, मगर मैं क्या करूं, चांस फिर भी नहीं दे सकता। कौन है? मैं हूं आगा खंजर जी। क्या है? आप तैयार हो गई ना? मैं अभी आती हूँ। ऑडियंस आपका थिएटर में इंतजार कर रही है, जल्दी आइएगा। अंदर है सरकार? अंदर है, जैसे हमने पैसा अंदर रहने के लिए दिया था, अबे हमने एग्रीमेंट किया था, जेल भेजवा दूंगा। आगा साहब, आगा साहब, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अबे सीतू, मैं पब्लिक की जूतियां खा के आ रहा हूँ, इस वक्त मेरा मूड खराब है, हट जा। आगा साहब, मैं मजबूर हूँ, उनके पति का ऑर्डर है। अच्छा, तो पति देव ने अब तक नहीं आने दिया, कहाँ है वो? मैं उस पर भी केस कर दूंगा, मियाँ बीवी दोनों की कुर्की ने करा दी तो आगा खंजर नाम नहीं। सीतू, ये गुंडा कौन है? गुंडा? हाँ अजी, ये उनके पति हैं। पति? हाँ पति। आदाब दोस्तों, आदाब दोस्तों, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी मिलाई है। सरकार, अगर आप हुक्म दें तो मैं अखबार वालों से कहकर आप दोनों की तस्वीर निकलवा दूं और पब्लिक से कहकर सरकार आपके गले में गुले बनफ्शा का हार डलवा दूं, क्या ख्याल है? मगर आगा साहब जी, आप तो अभी फरमा रहे थे कि आप मुझ पे कुछ केस करने वाले हैं। जी हाँ, वो तो था जी। नहीं नहीं हुजूर, वो तो हुजूर, वो अगले नाटक का सीन सोच रहा था। आप इतने नेक, इतने हैंडसम, भला मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? और फिर आप तो मेरी हीरोइन के पति हैं, जब हीरोइन के पति हैं तो मेरे भी पति हैं। देखिए आगा साहब, मैंने आपको फोन कर दिया था कि नयनतारा अब डांस नहीं करेगी। अच्छा, कदम न कीजिए सरकार, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा सरकार। लोग कुर्सी तोड़ डालेंगे, थिएटर में आग लगा दी गई तो घर का सीन बदल जाएगा। और बेगम, ओह, अगर बेगम को मालूम होगा कि खाली हाथ आया है तो जूता लेकर शुरू हो जाएगी हुजूर, और कहेगी, अरे मुआ, भान का धंधा छोड़कर दर्जी की दुकान क्यों नहीं खोल लेता, कम से कम बहकों के ब्लाउज तो पहनने को मिलेंगे। और बच्चे,
बच्चे नाक में दम कर देंगे हुजूर। एक थरमास मांगेगा, दूसरा कंपास मांगेगा, तीसरा खशखाश मांगेगा, चौथा सनीमा का पास मांगेगा, पांचवी साई मांगेगी, छठी साहब आपने तो सीन में अच्छी खासी फैमिली अपील पैदा कर दी। जी हाँ माशाल्लाह आपके बच्चे कितने हैं? 13 हुजूर। 13? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर 6 मेरे हैं, 7 बेगम जहेज में लेकर आई थी। ओह और सरकार मैं अपनी बीवी का दूसरा खाविंद हूँ। आगा साहब तब तो आपकी हालत काफी काबिल रहम है। जी हाँ वो तो है हुजूर। अच्छा हमने एक बात सोची है। फरमाइए। आज नयनतारा के साथ हम भी थिएटर चलें। जरूर चलिए हुजूर, ये तो खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको देखेंगे, कभी थिएटर को देखेंगे, कभी आपको देखेंगे, कभी थिएटर को देखेंगे। हुजूर अब जल्दी कीजिए ना। बस अब चलते ही आ रहे सीटू। देखो गाड़ी निकालो और मैं जरा कपड़े वगैरह बदल लूं। तो जल्दी बदल लीजिए। जल्दी बदलता हूँ। ये गला खुश। हाँ श्योर श्योर आगा साहब ये लीजिए। कम नहीं बाबू दिल के लगाने वाले। बॉम्बे पुलिस कॉलिंग। मैं इंस्पेक्टर जगदीश बोल रहा हूं। क्या कहा? दरियागंज नाम का कोई मोहल्ला नहीं रांची में? जी सारे शहर में मनोहर नाम का कोई आदमी दवाइयों का धंधा नहीं करता? दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कमाल है, दोनों झूठ बोल रहे थे।
स्मार्ट चैप्स। डार्लिंग तुम्हारे लिए मैंने खास सूप बनाया है, किचन में जितने भी विटामिन थे ना इधर से उधर से खुरच खुरच के मैंने सूप में डाल दी, स्पेशल सूप है। साहब ने मेरे सामने इसबगोल की धनिया की पुदीने की रसमलाई की कोफ्तों की चाशनी मिलाई। ओह यू शट अप, चाशनी नहीं सूप था, सूप था। जी मैम साहब, मैंने भी देखा था। टाइगर, अरे अरे वो टाइगर के बच्चे कमबख्त ने सारा सूप तो तनाश कर दिया। चलो चलो चलो, सारी मेहनत तो पानी फेर दिया। अरे तुम कहाँ जा रही हो डार्लिंग, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ खाना वाला बनाया था मैंने, मैं दोबारा तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ। देखिए टाइगर को क्या हो गया, तड़प रहा है। टाइगर जल्दी आइए मैम साहब। मैम साहब कुत्ता तो मर गया, मगर कैसे मर गया? खाने में शहद डाल दिया था। नहीं नहीं, इसलिए खाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे। तुम मुझे मार डालना चाहता था। नहीं, तुम नंदा, माला माला, मेरा तो कलेजा कांप रहा है। बीबी जी खाना खा लेती तो क्या होता? साहब ऐसा लगता तो नहीं था। शुक्र है बीबी जी की जान बच गई। क्या हुआ मिस नंदारा को? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो, क्या हुआ मिस नंदारा को? वो साफ सी ना, चुप रह रखी की बच्ची, मुझे गाली देता है। क्यों मुझे गाली देता है? क्या किया साहब ने? इंस्पेक्टर साहब, वो साफ सी ना, वो बीबी जी को खाने में जहर देना चाहता था। जहर? जी हाँ साहब, उनको जबरदस्ती खाना खिलाना चाहता था। बीबी जी ने हाथ मार के खाना गिरा दिया, कुत्ते ने खाया और वो मर गया। कुत्ते ने खाया और वो मर गया? मिस नैनतारा कहाँ है? वो तो डर के मारे भाग गई। डर के मारे भाग गई? और साहब? साहब भी उनके पीछे भागा। तुम बता सकते हो वो लोग कहाँ गए? वो तो हमें नहीं मालूम। आई सी। लड़की की बच्ची, तू जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी। ये मुसीबत तेरे साहब ने पैदा की है। बड़ा आया हिमायती साहब का, मुझे तो बीबी जी पर तरस आ रहा है। दुश्मन कोई जरूर है लेकिन मैं नहीं। देखो जब तक मैं गाड़ी ठीक न कर लूं तुम यहां से कहीं दूर मत जाओ। भगवान के लिए मेरा बना बनाया खेल मत बिगाड़ो माला। तुम्हारा काम बिगड़ जाए तो अच्छा है। माला
वाले से खामखा जाया मत करो, अपने साथ साथ मुझे भी खतरे में मत डालो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, समझे? तो तुम समझते हो मैं तुम्हारी जान का दुश्मन, तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो ये लो पिस्तौल और रखो अपने पास, और जब समझो कि तुम्हारी जान खतरे में तो चला देना मुझ पर गोली, लेकिन जब तक मैं गाड़ी ठीक न करूं यहीं खड़े रहो। गोली लगी। तुमने मेरी खातिर। मैं ठीक हूं मारा, मैं ठीक हूं। मनोहर नहीं, मेरा नाम शेखर। माला अब तो तुम्हें यकीन है हमारा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कहो तुमने मुझे माफ कर दिया, कहो। अब मैं क्या करूँ? माला तुम्हें पिस्तौल लो, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं भाग जाओ, नहीं भाग जाओ। शेखर, शेखर, खुली उधर आप कहना शुरू करेंगे कि ये लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल लड़कियों जैसी है और ऊपर से हकलाते भी हैं।
के लिए कम बोलते हैं बेचारे। बात यह है हुजूर कि इसके अब्बा मियाँ ने यानी कि मेरे फादरी लाल ने मुझे दहेज में पुराना सूट दिया। पता नहीं किसका है, किसके नाप का है। देखिए ना, ये अस्तिन दिल्ली को जाती है तो ये कलर कोलकाता को, और ये जेब मद्रास को। लेकिन तुम भागा क्यों था? मुझसे नाराज जी हाँ हुजूर, मुझे ब्यूटीफुल वाइफ मिली, ये सॉरी यानी कि प्योर गोल्ड, और ये सूट एकदम ओल्ड, इसलिए मैंने सोचा कि जब ये सूट पुराना है तो इसका दिल भी पुराना होगा, इसलिए मैं भाग निकला। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी और ऐसे फादर इन लॉ। प्लीज मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा पीछा तो छूट लड़का भी नहीं रोकी, तू भी मेरी लव की किरित खराब हो रही है, कुछ तो कीजिए। खान साहब। हाँ साहब। इसकी बातों पे जाओ ना साहब। ना साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए, अभी तो मेरी शादी की कागज की स्याही भी नहीं चुकी। हवलदार साहब इन्हें फ्लोटिंग पेपर दे दीजिए, सुखा लेगी। हाँ मगर मैं इनके बात में नहीं जाऊंगा। जलेगा जहां सनम चुप रहिए, दिया तुम्हें दिल किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहां सनम चुप रहिए, दिया तुम्हें दिल किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहां सनम चुप रहिए। किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहां सनम चुप रहिए। जितनी लगन उल्फत की बढ़े, मुखड़े पे रंगत और चढ़े, जितनी लगन उल्फत की बढ़े, मुखड़े पे रंगत और चढ़े, मुख पे रुमाल जरा घुमा ना ऐसे, शोले को हवा से भड़काना नहीं चाहिए। चलेगा जहां सनम चुप रहिए, दिया तुम्हें दिल किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को बताना नहीं चाहिए। चलेगा जहां सनम चुप रहिए। जलने को है जब तक मेरा दिल, तुझ पे जले क्यों सारे महके, जलने को है जब तक मेरा दिल, क्षमा का दीवाना परवाना हो जैसे, हम है तो कोई परवाना नहीं चाहिए। चलेगा जहां सनम चुप रहिए, दिया तुम्हें दिल किसी से मत कहिए, ऐसे में जमाने को
बताना नहीं चाहिए, चलेगा जहां सुन चुप रही। ये रहे आपके कपड़े, चलिए गाड़ी पे जाए, चलिए ना। से सवाल करते करते सुबह हो गई, लेकिन आपने एक भी बात का ठीक जवाब नहीं दिया। बोलिए, जवाब दीजिए, आपने मिस्टर मनोहर का खून क्यों किया? क्या वो वाकई आपका पति था? अगर पति नहीं था तो कौन था वो? आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा राज जानता था वो जिससे आप इतना डरती थी, जिस राज को छुपाने के लिए आपने उसका? मिस्टर साहब, आप इतना तो सोचिए, मैं उसका खून क्यों करती, किस लिए करती? इसलिए कि वो आपको ब्लैकमेल करना चाहता था। आपका पति बनकर आपके घर में दाखिल हो गया, मारे डर के आप पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकी। अगर वो जिंदा रहता तो आपका भेद खुल जाता। नहीं नहीं, ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। मैंने उसका खून नहीं किया, मैंने उसका खून नहीं किया। वो तो मुझे बचाना चाहता था इंस्पेक्टर साहब, वो तो मुझे बचाना चाहता था। लेकिन अभी तक तो आप कह रही थी कि वो आपको मारना चाहता था, क्या वो सच था या ये? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये पिस्तौल जुहू में मुझे एक झाड़ी के पीछे मिला और इसमें सारी की सारी गोलियां मौजूद हैं। अब तो मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, पिस्तौल मेरे हाथ में जरूर था, लेकिन लेकिन चलाने के लिए नहीं था। और किस लिए था? मैं उसे
सिर्फ धमकाना चाहती थी। धमकाने के लिए आपने इस पिस्तौल का सहारा लेना पसंद किया, पुलिस की मदद नहीं मांगी। क्यों हवालदार? फिंगर एक्सपर्ट से जाओ इसे। मिस नैनतारा, आप थक गई होंगी, चाय मंगवा दूं? जी नहीं शुक्रिया। पुलिस को एक नौजवान लड़की की तलाश है जिसका नाम मिस माला भल्ला है, उसकी मां का नाम श्रीमती गीता भल्ला है। बेचारी हॉस्पिटल में बीमार पड़ी, जिंदगी के आखिरी सांस गिन रही है और अपनी बेटी को मिलने के लिए तड़प रही है। ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? ये सब बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं माला भल्ला नहीं हूं, मेरी मां नहीं है, मैं बिल्कुल यतीम हूं। मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मेरे दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मिस माला, मिली ना अपनी माँ से? मैंने कह दिया ना, ना मैं माला भल्ला हूं, ना ये मेरी माँ है। मेरी माँ तो मिसेस भल्ला जी, यही है ना आपकी बेटी? जी नहीं, कौन ऐसी बेटी होगी जो बरसों के बाद मिले और तड़प कर अपनी माँ की गोद में ना आए। अब तो सिर्फ एक ही अरमान है कि आंख बंद होने से पहले एक बार मैं अपनी बेटी को देख लूं। इंस्पेक्टर साहब, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए इंस्पेक्टर साहब। वीनस थिएटर, कौन टुन टुन तारा? हाँ, मैं शेखर बोल रहा हूँ। देखो, तुम ऐसा करो कि किसी तरह माला को अस्पताल भेज दो, उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है, किसी भी तरह भेजने की कोशिश करो। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है ये। मिसेस भल्ला जी, यही ना आपकी बेटी? जी नहीं, कौन ऐसी बेटी होगी जो बरसों के बाद मिले और तड़प कर अपनी माँ की गोद में ना आए। नैनतारा बहन, तुम इस वक्त यहाँ धुआं निकलते देखा, सोचा कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। मैं कुछ समझी नहीं, ये उदास चेहरा, आंखों से छलकता हुआ गम, इन्हें तुम कहां छुपाओगी? मैंने भी कभी गलती की थी और वो गलती मेरी जिंदगी का रोग बनकर रह गई है। गलती? हाँ, मैं अपनी माँ से बिछड़ गई और उससे मिलने के लिए मुद्दत तो तड़पती रही, और एक दिन मेरी माँ से मुलाकात हो गई, मगर हालात ऐसे पैदा हुए कि मैं माँ को माँ ना कह सकी और तकदीर ने उसे हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर दिया। ये तुम मुझसे क्यों कह रही हो? इसलिए कि तुम भी बुद्धिमान। मगर मेरी कोई माँ नहीं, नहीं मैं सब जानती हूँ। माँ के सामने तुमने माँ को माँ मानने से इनकार कर दिया, ममता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? वो बेचारी क्या सोचती होगी, इसी दिन के लिए उसने 5 वर्ष का तुम्हें इतना बड़ा किया था और यही दिन देखने के लिए वो आती चिंता है। भगवान ना करे अगर कल को उसे कुछ हो गया तो। तारा, भगवान के लिए ऐसा ना कहो,
दुनिया में सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिल सकती। अगर वो चली गई तो तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? रोगी, तड़पोगी, चिल्लाओगी मगर माँ नहीं मिलेगी। पागल ना बनो, अब भी वक्त है तारा, अब भी वक्त है तारा। माँ मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। नजर नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कार चोरी हो गई। आपकी कार चोरी हो गई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे घर के गैरेज से। थैंक यू। क्या नंबर है आपकी गाड़ी? BYN 2526। हेलो, यस पुलिस स्टेशन जी, क्या कहा? ओ आई सी। मिस्टर विश्राम। यस। कब चोरी हुई आपकी गाड़ी? यही कोई आधा घंटा हुआ। आधा घंटा पहले मशहूर डांसर मिस नयनतारा को कुछ जख्मी करके भाग गया है। नयनतारा को कोई जख्मी करके भाग गया? जी हाँ, वो भी आपकी गाड़ी से। मेरी कार से? जी। आप तो मुझे इस तरह गौर से देख रहे हैं जैसे मैंने ही नयनतारा को जख्मी किया है और मैं ही आपके पास रिपोर्ट करने चला आया। हर छोड़िए इन बातों को, पहले आप अपनी गाड़ी संभालिए। जू रोड पे पड़ी है। जू रोड पे पड़ी है? जी हाँ। बहुत अच्छा। हाँ, अलबत्ता मिस नयनतारा के होश आते ही अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलवा लिया जाएगा। बहुत अच्छा, मैं हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू। देखिए उसकी दाएं तरफ की पसलियों पर सख्त मार लगी है और फेफड़ों पर भी चोट आई। होश में तो है? हाँ, वैसे तो होश में है लेकिन हिल नहीं सकती और बातचीत भी नहीं। घबराइए नहीं, मैं उनसे पूछताछ नहीं करूंगा, यूं ही जरा देखने चला आया था। भाई हवालदार, कोई अंदर ना आए। बिस्तर तो खाली है? अभी तो यही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम? मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ, मेरी माँ कहाँ है? किसे ढूंढ रही हैं आप? मैं मिसेस भल्ला को ढूंढ रही हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी माँ कहाँ है? मिसेस भल्ला, डॉक्टर साहब बताइए मेरी माँ कहाँ है। बात यह है। हाँ, क्या बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब बताइए। वो कल रात को मिस माला मुझे दुख है कि आप अपनी मां से भी न मिल सके। यह सब कुछ कभी ना होता अगर आपने उस रोज हिम्मत करके सब कुछ सच कह दिया होता। मिस माला, आप पर लेडी हीरामणि के खून का इल्जाम है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्हें इस हालत में हॉस्पिटल से ले जाया गया तो इनकी जान जाने का डर है क्योंकि आज इनका ऑपरेशन होने वाला है।
आप शौक से इलाज कीजिए डॉक्टर साहब, जब तक ये चलने फिरने और बयान देने के काबिल ना हो सके यहीं रहेंगी, लेकिन पुलिस की हिरासत में। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर आज आइए। अरे गुंगा, तुझे किसने कहा था कॉफी लाने के लिए? क्या हुआ, थोड़ी सी पी लूंगी। जी नहीं, ये लीजिए नींद की गोली और आराम से सो जाइए। ले जा कॉफी। इस इंजेक्शन से श्रीमान शेखर। शेखर, मेरा ख्याल है तुम इसे मारना चाहते थे। तुमने पहले भी कई दफा इसे मारने की कोशिश की, ये सब झूठ है। ना मैं इसे पहले मारना चाहता था ना आज। जो इसे मारना चाहता था वो यहां से भाग गया और वो तुम्हें यहां छोड़ गया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। चलो माला। माला, के तुम भी ये समझती हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता था? ये इंजेक्शन मैं तुम्हें देना चाहता था? बोलो माला, बोलो। श्रीमान, जो कुछ कहना है अदालत में कहना। चलो माला। नर्स, तुम ख्याल रखना मरीजा का। तो क्या शेखर? नहीं नहीं,
समझ में तो कुछ नहीं आता। अरे ये मुंशी किसकी है? मुझे देखो, शेखर ने सच कहा था, मिस्टर विश्राम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मिस्टर शेखर मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आपका शक किसी और पे है? शक? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर विश्राम के बारे में आपका, मेरा मतलब है कि मिस्टर विश्राम किस प्रकार के आदमी हैं? पुलिस को उनके खिलाफ अभी तक कोई शिकायत नहीं। आपको? जी, मैं उनके बारे में कुछ जानना चाहती थी। मिस्टर विश्राम मेरठ के रहने वाले हैं, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, शहर के नामी वकील हैं और लेडी हीरामणि के भाई। लेडी हीरामणि के भाई? मिस नैनतारा, आप चौंक क्यों गई? जी कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये मुमकिन नहीं कि आपकी तरह मिस्टर विश्राम को भी शक हो कि लेडी हीरामणि का खून मैंने किया है और वो बहन के खून का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते हो? हो सकता है। मिस नैनतारा, आप एक बात बताएंगी, आपको पता था कि लेडी हीरामणि ने कोई वसीयत की थी? जी नहीं। इसका मतलब है अगर आपको पता होता तो शायद ये खून ना होता। जी, मेरा मतलब है उन्होंने सारी जायदाद आपके नाम की थी। मेरे नाम? जी हाँ। इसका मतलब है मेरा अंदाजा गलत था, जो कुछ मैं समझ रही थी वो सब झूठ था। उसने खून नहीं किया था, उसने खून नहीं किया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इंस्पेक्टर साहब, असल में बात यह है कि मैं मेरठ में एक मालदार औरत लेडी हीरामणि की सेक्रेटरी थी। बेचारी अक्सर बीमार रहा करती थी। 26 सितंबर 1957 की रात को जब मैं दवाई लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी, हीरामणि को उसके वादे से मुकरना नहीं दूंगा। मैंने उसके भरोसे पर तुम्हारी मंगनी तय की और अब जब तुम्हारी शादी करीब आ रही है, वो अपनी सारी जायदाद धर्म खाते में दान कर देना चाहती है। इसमें जबरदस्ती की कौन सी बात है भैया? उनकी जायदाद है, वो चाहे जिसको दे। ये हमारी इज्जत का सवाल है माला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, हर किसी नहीं होने दूंगा। चलो जल्दी पीछा करो।
किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, मगर दुनिया वालों की नजरों में मैं मर चुकी थी। मुझे नई जिंदगी गुजारने का मौका मिल गया और मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आज तक मैं सोच रही थी ये खून मेरे भाई ने किया था। उसे बचाने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे ऐसे निशाने छोड़ दिए थे जिससे जिससे पुलिस मुझे कातिल समझे। तो अब आप अपने भाई को निर्दोष समझते हैं? जी हाँ। शक किस पे? मिस्टर विश्राम पर। क्यों? उन्होंने जायदाद के खातिर खून किया और जब उन्हें पता चला कि वो जायदाद मेरे नाम पे है तो मैं भी उन्हें खटकने लगी। ये आपका अंदाजा है, इसके अलावा और भी कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ है। क्या? मिस्टर विश्राम को बुलाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हवलदार, मिस्टर विश्राम, मिस नैनतारा आपसे कुछ पूछना चाहती है। फरमाइए। मिस्टर विश्राम, उस रोज मैं आपकी गाड़ी से जख्मी हुई और आप मुझे उसी हालत में छोड़ के चले गए। मैडम आपको गलतफहमी हुई, एक्सीडेंट जरूर मेरी कार से हुआ मगर मैं कार में नहीं था, मेरी कार तो चोरी हो गई थी। आप गाड़ी में नहीं थे, मैंने खुद देखा आप ही ड्राइव कर रहे थे। आप मेरी तोहीन कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हूँ? खैर झूठ ही सही। क्या आप ये बता सकते हैं हॉस्पिटल में आप मेरे कमरे में क्यों आए थे? हॉस्पिटल में? आपके कमरे में? जी हाँ। वहां भला मेरा क्या काम? इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी में भी इनको देखा था और हॉस्पिटल में भी। आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। झूठ? मिस नैनतारा, मिस्टर विश्राम झूठ बोल रहे हैं तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत है इनके नकली मूंछे। ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे यहां इसलिए बुलाया था कि इनसे मेरी बेइज्जती कराएं? याद रखिए, मैं इस बेइज्जती का बदला इनसे और आपसे कोर्ट में लूंगा। मिस नैनतारा, अब आपको क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी कहा सच सच कहा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा सच सच कहा। अब ये देखिए, ये मुझे हॉस्पिटल में मिली। मेरे समझ में कुछ नहीं आता कि मेरी समझ में आता है। क्या? यही कि आप अपने भाई को बचाना चाहते हैं। आपका भाई कहाँ है? नहीं, नहीं, मेरे भाई ने खून नहीं किया, मेरे भाई ने खून नहीं किया, खून खून मैंने किया इंस्पेक्टर साहब, खून मैंने किया, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, खून मैंने किया, खून मैं, खून मैंने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने गाड़ी में भी इनको देखा था और हॉस्पिटल में भी। आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। मिस नैनतारा, मिस्टर विश्राम झूठ बोल रहे हैं तो उसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत? सबूत है इनके नकली मूंछें। ये क्या बदतमीजी है? अभी गया क्या और अभी आया? हाँ, मैं कुछ भूल गया था। ठहरो, अगर खैरियत चाहती हो तो सच बताओ, शिवराम कहां है? मैं कहता हूं बता दो अभी। नहीं बताएंगे? क्या किया? क्या हो गया था तुम्हें? भैया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, भूल जाओ वो सब। और तुम? मैं कैसे भूल सकता हूँ माला,
मेरी जरा सी गलती से तुम्हारी ये हालत हो गई। मैंने जानबूझकर तुम्हें मौत के हवाले कर दिया है। माला भैया, भैया तुम सुखी रहो, यही मेरी आरज़ू है। भैया वक्त जाया मत करो, जल्दी से भाग जाओ। भाग जाऊं मैं? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी। भैया तुम चले जाओ। पुलिस मुझे ढूंढ रही है? मगर क्यों, किस लिए? भैया मैंने पुलिस के सामने तुम्हारा नाम ले दिया है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं माला, अगर मेरी मौत से तुम्हें जिंदगी मिल सकती है, रोशनी मिल सकती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ना मैं पुलिस में रिपोर्ट करता, ना तुम्हारी यह हालत होती। रिपोर्ट? काश मुझे ये मालूम होता तो उसी वक्त इल्जाम अपने ऊपर ले लेता, बड़ी खुशी से ले लेता। मुझे क्या मालूम था कि यह खून तुमने किया है। मैंने? ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या ये खून तुमने नहीं किया? मैंने? पागल हो गई हो क्या? लेकिन मैंने खुद उस रात को तुम्हें लेडी हीरामणि के कमरे से निकलते देखा। तुम परेशान थे, भाग रहे थे, आखिर क्यों? भाग तो इसलिए रहा था कि मैंने लेडी हीरामणि की लाश देखी थी और मैं पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहा था और गया। मैं समझी कि ये खून तुमने किया है और तुम्हें बचाने के लिए मैंने जानबूझकर ऐसे ऐसे निशाना छोड़ दिए थे ताकि पुलिस मुझे पकड़े, मुझे कातिल समझे और मेरा भाई बच जाए। जानबूझकर निशाना छोड़ दिए थे? माना मेरी बहन, ये तुमने क्या किया? चार बरस तक पागलों की तरह भागती रही, आखिर इतना तो सोचा होता कि मैं खून करता तो क्यों, किस लिए? मैं लेडी हीरामणि से शिकायत थी ना कि उसने मुझे जायदाद में से कुछ नहीं दिया। मैंने सोचा शायद तुमने, उस बिचारी ने तो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी थी, मुझे उससे क्या शिकायत हो सकती थी? लेकिन मुझे शिकायत है। मेरी समझ में आया कि पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। कानून की किताबें पढ़ते पढ़ते भाई पर गोली चलाना भी सीख गए हो। मैं तेरा भाई हूं, इस एहसास से मेरा सर शर्म से छुप जाता है। अच्छा होता कि तू पैदा होते ही मर जाता। तेरे ये मनुष्य हाथ मासूम हीरामणि के खून से रंगे हैं, अब उसकी जायदाद की वारिस माला भल्ला को मारना चाहता है, इसलिए
कि वो जायदाद तुझे मिल जाए। फिर कहां जाता है? अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। उठाया भाई की हमशक्ल होने का। Thank you.
Congratulations, Inspector Shekhar. Mubarak. Well done. Thank you. Well done, Mr. Shekhar. Miss Bala, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपकी जान बचाने के लिए मुझे जबरदस्ती आपका पति बनना पड़ा, वरना हो सकता था शिवराम आपकी जायदाद के खातिर आपका खून कर डालता। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं क्या? माफ नहीं किया मुझे?